और आज हम बात करेंगे कोरोना महामारी और उसके वैश्विक असर, खास तौर से भारत और मध्य प्रदेश पर। इस महामारी ने संपूर्ण विश्व को बुरी तरह से प्रभावित किया है, लेकिन इसके व्यापक असर अगर देखना है तो हमें अपने आसपास का जीवन देखना पड़ेगा, और शायद तभी हम अंदाज लगा पाएंगे कि दुनिया में क्या कुछ बदल गया है और क्या स्थिति होने वाली है। आंकड़ों की बाजीगरी में बहुत सारी बातें की जा सकती है, चाहे वो लाखों करोड़ के पैकेज की बात हो, चाहे वो मजदूरों को सुरक्षित घर पहुंचाने की बात हो, चाहे वह लॉकडाउन में फंसे हुए गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने की बात हो, दवाइयों की बात हो, या कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों के स्वस्थ होने की बात हो। भयावह स्थिति यह है कि यह धरती का सबसे ज्यादा भयानक हादसा साबित होने वाला है, जो न केवल 21वीं शताब्दी की अर्थव्यवस्था को आमूलचूल तरीके से रौंद चुका है, बल्कि मानवीय संवेदनाएं, मानवीय रिश्ते, इनमें भी एक अलग तरह का खलल पैदा हुआ है। हमने शुरुआत के दौर में देखा कि लोगों ने अपने ही लोगों का दाह संस्कार, अंतिम संस्कार करने तक से दूरी बना ली थी, इतना खौफ था। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, मामले जरूर आगे बढ़े, लेकिन लोगों का खौफ भी कुछ कम हुआ है। और आज मैं ये बता देना चाहता हूं कि इस कोरोना महामारी के चलते देश की इकोनॉमी को बहुत जबरदस्त झटका लगा है, और हम अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि क्या क्या चीजें कम होती चली गई हैं। रोजगार, खासतौर से असंगठित क्षेत्र के रोजगार, कुशल और अकुशल और अर्धकुशल लोगों के रोजगार सीधे सीधे प्रभावित हुए हैं। राज्यों को जो अतिरिक्त अधिकार मिले हैं, खासतौर से काम के घंटों को और वेतन की कटौती को लेकर, उसका सीधा असर गरीब, निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग में पड़ा है जो नौकरी पेशा है। और आप तय मान के चलिए कि ये वो लोग हैं जो इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं, जिनके रक्त, मज्जा, वसा, मेद, मांस से छिलकर यह देश की अर्थव्यवस्था चल रही है। इस अर्थव्यवस्था को जो झटका लगा है, उसका असर ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिस पर साफ नजर ना आए, और आने वाले दिनों में जैसे जैसे लॉकडाउन खोलने की मजबूरियां बढ़ती जाएगी और प्रतिबंध कम होंगे, उसके बाद केसेस आगे बढ़ेंगे, तब हम जान पाएंगे कि क्या बिगड़ा है। जो लोग घर चले गए हैं, वे कब लौट कर कारखानों तक पहुंचेंगे, रेहड़ियों तक पहुंचेंगे, अपने साइकिल रिक्शा या ऑटो तक पहुंचेंगे, कुछ भी कहना बहुत मुहाल है। इस लॉकडाउन में जो शेयर बाजार है, उसने लगातार गोते खाए हैं। इतना ही नहीं, सरकारों ने भी जो किया है उसको भी अगर हम देखेंगे तो हम ये जान पाएंगे कि संविधान की जो मूल भावना है, हम उसके आसपास भी खड़े नहीं रह पाए। इस लॉकडाउन में सारी व्यवस्थाओं की पोल खोल के रख दी है कि हम गरीबों की बात करने वाले देश कितना गरीबों के साथ हैं। अगर लोगों ने सहृदयता ना दिखाई होती तो शायद सड़कों पर लाशों की संख्या और ज्यादा होती। आज देश का
सबसे ज़्यादा नुकसान अगर कहीं हुआ है तो उन राज्यों में दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, राजस्थान शामिल है। इन राज्यों में हमने बहुत नज़दीक से देखा कि किस तरह से हजारों और लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हुए हैं। और उससे भी बड़ी बात है, जो खबरें छमकर आना शुरू हुई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये कोरोना का इलाज इस सदी का सबसे बड़ा स्वास्थ्य घोटाला साबित हो सकता है, क्योंकि बगैर वैक्सीन के, बगैर दवाइयों के इलाज भी हुआ, लोग ठीक भी हुए, लोग घर भी गए और सरकारों का करोड़ों करोड़ रुपया खर्च भी हुआ। तो आखिर वो लोग कैसे ठीक हो रहे थे? क्या कोरोना के नाम पर खौफ फैलाया गया था? क्या इसकी आड़ में कोई हम वैश्विक रणनीति का शिकार हुए? बहुत सारे सवालों का जवाब अभी आना बाकी है, बहुत कुछ कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन यह ध्यान से देखना होगा कि क्या हमने जिन लोगों को जनादेश दिया था वो अपने कर्तव्य पालन में सही साबित हुए हैं, क्या उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वाह पूरी तरह से किया है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आपके भी मन में आएंगे, और जब आपके मन में सवाल आए तो मुझे लगता है कि जब जब लोगों का अवसर मिले उन्हें पूछना जरूर चाहिए, खास तौर से अफसरों से, अपने जनप्रतिनिधियों से, जहां भी मौका मिले जरूर पूछिए। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।